जो हल्दी वाली थी, प्रमोद भैया के साथ तो बड़का विवाद किया था, फिर प्रमोद जी के साथ चिपक गए। क्या हुआ? तो कंपनी का मैटर है ना, विवाद उन लोग का मैटर था जो लिखे थे, जो गाए थे, जो रिलीज किए थे, मेरा थोड़ी विवाद था। आज मैं पवन सर को मैं बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, पवन भैया को कभी बदनाम नहीं की हूँ, आपको मैं नहीं जानती थी तभी बोली थी नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो रील बनाई थी उस समय वाकई आपको पता था कि नहीं कि वो पवन सिंह का गाना है? उस समय पता था हमको कि वो लोग बना रहे हैं। जब पता था तो फिर सवाल पैदा होता है, फिर आपने रील कैसे बना दी जबकि आप पवन सिंह को नहीं जानती हैं? जानती नहीं थी वो अलग बात है, ठीक है ना। जब मैं नेपाल में थी, इस लाइन में आप है धीरे धीरे उसको जरूर जानेंगे, हम जब नहीं थे अचानक से रील बनाते हुए हम यहाँ पहुँचे। ये तो कृपा खेसारी जी हमको काम दिए तब हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आया। आते ऐसे नहीं है कि नहीं आते, पर धीरे धीरे और टाइम लग जाता, हाँ थोड़ा टाइम लगता, वो दिए तो हम आज काम भी कर रहे हैं, ठीक है। उस समय मैं नहीं जानती थी, इस बात को आप लोग मजाक नहीं। इससे पहले एक सवाल मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, वही सवाल कि आप कौन पावर स्टार सुपर स्टार पवन सिंह के साथ काम करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? सेम सवाल मैं फिर से रिपीट। ये देखिए, ये बात को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ आपको। जो भी चाहेंगे सबके साथ काम करना है, और मेरी जहाँ तक की कोशिश रहती है कि भोजपुरी के हर एक स्टार के साथ काम करें, हर एक स्टार के साथ। जिसको नहीं जानती थी अब जानने लगी है उसके साथ।